क्या फ्रेंड आप भी किसी लड़की को लाइक करते हो और उसे लाइन मारना चाहते हो, मगर आपको तो यही समझ में नहीं आता कि मैं उसे लाइन कैसे मारूं, मैं उसे कैसे पटा लूं। तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी क्या फ्रेंड, दुनिया की कोई भी लड़की को प्यार से लाइन मारने के तरीके। जी हाँ भाई मेरे, आज इस वीडियो में आपको मैं ऐसे अद्भुत तरीके बता रहा हूँ लाइन मारने वाले कि 100% वर्क करेगी ही करेगी, और जो आपकी क्रश है ना वो आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी ही बनेगी। तो वीडियो में फ्रेंड एंड तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सस्पेंसफुल है। क्योंकि अधिकतर फ्रेंड आपका प्यार अधूरा कैसे रह जाता है, आप उसको इम्प्रेस नहीं कर पाते हो, आप उसे यही नहीं बता पाते हो कि मैं भी आप में इंटरेस्टेड हूँ, जिसके चलते वो लड़की कट लेती है। उसको ऐसा लगता है कि फालतू में अपना मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, और आप यही सोचते रहते हो कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई जिससे ये अब मुझसे बात तक करना नहीं चाहती। तो भाई मेरे, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कभी ऐसा मोड़ ना आए तो इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करिएगा फ्रेंड। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर भाई चैनल पर नए हो ना तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा फ्रेंड, क्योंकि हमारा गोल 2,30,000 का है। तो अगर आपने सच्चे दिल से प्यार किया है तो ये गोल हमारा जल्द से जल्द पूरा करवा दीजिए। मन में कोई सवाल हो या समस्या हो या फिर किसी भी अपने पर्सनल कमेंट के ऊपर वीडियो बनवाना हो तो मेरा इंस्टाग्राम है ना भाई, डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, सिंपली क्लिक करके बोल सकते हो आप। चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है फ्रेंड, किसी भी लड़की को लाइन मारने से पहले आपको एक टाइम सिचुएशन पता कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे लाइन मार रहे हो, 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल रह रहे हो, नहीं तो ऐसे में क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी बैड पड़ेगी उसके ऊपर। उसको ऐसा लगेगा कि ये बंदा लोफर टाइप का, इसके पास कोई काम धाम नहीं है, ये तो बस मुझे लाइन मारने आ जाता है। तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको एक टाइम डिसाइड कर लेना कि इस टाइम पे छत पे आती है, इस टाइम पे मोहल्ले में दिखती है, इस टाइम में अपनी क्लास में, ऑफिस में या कहीं भी ये दिख जाती है मुझे, और इतने देर के लिए दिखती है। आपको वहीं पे बस फ्रेंड कुछ दिन तक आपको वेट करना है, मेरे कहने का मतलब है 4 से 5 दिन आपको बस उसको देखना है और देखकर स्माइल करनी, और वही टाइम पे सिर्फ। तब उसके माइंड में ये टाइम बैठ जाएगा कि अरे यार ये बंदा मेरे को इसी टाइम में लाइन मारने क्यों आता है। एक दिन कॉमन लगेगा, 2 दिन कॉमन लगेगा, पर तीसरे दिन वो नोटिस करेगी आपको कि ये बंदा इसी टाइम में आता है। और जब चौथे दिन अगर आप नहीं आते हो तो वो बेचैन हो सकती है, उसके माइंड में अलग अलग तरह के थॉट चलेंगे कि आज वो बंदा क्यों नहीं आया, आज उस बंदे के पास क्या टाइम नहीं मेरे लिए, या फिर कहा जाए मैंने उस बंदे से कुछ ज्यादा ही एग्जाम ले लिया। इसके चलते वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी, उसके माइंड में ये थिंकिंग चलेगी कि वो लोंडा अब अभी तक आया क्यों नहीं, आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई। तो आप फ्रेंड इस तरीके से भी लाइन मार सकते हो और नोटिस करवा सकते हो कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूं। देखो भाई मेरे, अगर आप किसी लड़की से आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हो तो लड़की को पता नहीं चलता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। देखो अगर आप किसी दो लड़की को लाइन मार रहे हो, उसमें से एक लड़की आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देख रही है, दूसरी लड़की आपको देखने के साथ साथ स्माइल भी कर रही है, तो आप किसके तरफ आकर्षित होंगे, जो आपको देखकर स्माइल कर रही है। तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपको उसको देखकर स्माइल करना, जिससे उसको यह समझ में आए कि आप उसमें फुल टू इंटरेस्टेड हो। तो यहां पर आपका फ्रेंड 80% काम हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर लड़की भी आपको पलट कर देखती है और स्माइल करती है तो मतलब कि फ्रेंड 90% आपका काम बन चुका है, लड़की आप में फुल टू इंटरेस्ट हो चुकी है, अब वो समझ चुकी है कि आप उसे लाइन मारते हो। अब थोड़ा स्टेप आगे बढ़ते हैं, आप उसे जब भी लाइन मारने जा रहे हो ना तो अपनी जितना हो सके उतना बेस्ट लुक में जाओ भाई मेरे, कि कभी वो ये कॉम्प्लीमेंट ना निकाल पाए कि ए अपनी औकात देख तो किसे पटाना चाहता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट अगर आप नहीं सुनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो आपको कभी मना ना करे प्यार में, तो फ्रेंड अपना बेस्ट लुक उसके सामने लेके जाओ कि लड़की आपको कभी समझ ही ना पाए कि आप कितने बड़े सोच के बंदे हो। जी हाँ भाई मेरे, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगी कि लड़की के सामने अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ रहा है ना तो लास्ट इंप्रेशन आपका अगर बैड भी हो तो भी वो गुड में डेवलप हो ही जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपका बियर्ड एकदम बनी हो तो आप ऐसे चले आ रहे हो, बाल आपकी साइडिंग बनी तो आप वैसे चले आ रहे हो लाइन मारने के लिए, आप बिंदास कपड़े नहीं पहने वैसे चले आ रहे हो। और फ्रेंड सबसे खास बात कि आपको डियोडोराइजर का कुछ यूज करना है कि जब भी वो लड़की आपके सामने से होके गुजरे तो उसको ऐसा लगे कि ये बंदा फ्रेश है, तो बस आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और लड़कियां ऐसे लड़कों से बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है जो अपने आप को थोड़ी क्लीन रखते हैं, साफ सुथरे रखते हैं। तो लाइन मारने का फ्रेंड ये दूसरा पड़ाव है। अब बात करेंगे हम तीसरे पड़ाव की। फ्रेंड आपको पता है कब कोई लड़की आपसे पटती नहीं है, कब कोई लड़की आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है? जब उस बंदी को ऐसा लगता है कि इस बंदे के अंदर मेरे को लाइन मारने की ताकत नहीं है, ये बंदा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ नहीं है और ये मुझे नहीं मेरे बॉडी को उतारता है। तो भाई मेरे ये सोच उसकी बदल दीजिए। आप जब भी उसे लाइन मारते हैं तो अपने चेहरे पर एक स्माइल रखिए जिससे लड़की को आपके इमोशन समझ में आए, और आप उसको जब भी देख रहे हो तो आंखों में देखिए जिससे लड़की को ये भी पता चल जाए कि ये लड़का सिर्फ मुझे ही देख रहा है, ये सिर्फ मेरे लिए ही आ रहा है और मुझे ही देखकर स्माइल कर रहा है, जिससे आपका एक गुड पर्सनैलिटी उसके ऊपर पड़ेगा। लड़की को अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो भी आपको स्मेल पास करेगी, और अगर नहीं होगा तो वो चली जाएगी फ्रेंड। पर अधिकतर केसों में क्यों चली जाती है, क्योंकि आप उसके बॉडी पार्ट को निहारते हो, उसको देखते हो तो घूमने लग जाते हो, जिसके चलते आपका पर्सनैलिटी खराब पड़ता है। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखिए फ्रेंड, क्योंकि लाइन मारने के दौरान आपका ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा खास साबित होता है।
तो फ्रेंड ये काम करोगे ना तो भैया लड़की लाइन मारने के बाद 100% पड़ जाएगी। जानते हो फ्रेंड इस काम में थोड़ा सा आपको डर लगेगा, बट मैंने इसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बना दिया कि अगर आपको किसी भी लेडी से या फिर लड़की से बात करते समय डर लगता है, शर्म आती है, तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हो फ्रेंड, उससे आपकी शर्म निकल जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी करके छोटा सा ऑप्शन लेना है, दिल में थोड़ा सा विश्वास जगानी है, मन में थोड़ा सा भरोसा रखना है कि हाँ मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं नॉर्मली फ्रेंड के नाते तो उससे बात कर ही सकता हूँ ना। तो आप नॉर्मली फ्रेंड के नाते भी उससे आप बात करने का बहाना ढूंढिए, क्योंकि बिना बात किए आपका कहानी नहीं चलने वाला है, बिना बात किए आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो आपको बात करने के तो बहाने ढूंढने ही पड़ेंगे। और अगर आप कुछ बंदे मुझे ये कहते हैं ना कि सर वो मुझसे बात क्यों करना चाहिए, तो भाई मेरी बात सुनो, आपने उसे देखा, स्माइल किया, नोटिस करवाया, वो आपको पलट के देखी, आपने उसके हर एक जगह पे वेट किया, तो भाई इससे तो साफ साफ समझ में आ गया ना उसे कि हाँ आप उससे लाइक करते हो, हाँ आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो आपसे बात करना चाहेगी मेरे दोस्त। पर अगर आप बात करते समय अगर आप उसके दिल की बात बता देते हो तो वो तो भैया पहले फुर्सत में ही कट लेगी। तो आपको नॉर्मली उससे हाय हेलो करनी है, ज्यादा इंप्रेशन उस पर नहीं जमाना है, प्यार से बातें करनी पोलाइट तरीके से। और आपको ये कहना है कि आपकी स्माइल ने मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, आपके जब भी चेहरे पे ये स्माइल आती है ना तो कहना पड़ेगा कि आपका मतलब ऐसा लगता है कि स्वयं एक चांद पे तारा चमक गया हो, तो वैसी आपकी स्माइल होती है। छोटी सी बात कहनी है फ्रेंड, ये नहीं कि इस बात को लंबा कर देना है कि आपकी आंखें बहुत नशीली है, मन करता है इसमें डूब के स्विमिंग कर लूं, ऐसा कुछ नहीं कहना फ्रेंड। नॉर्मली बात करना और उसे नेचर से कहना कि आपके ड्रेसिंग सेंस की नॉलेज बहुत ही अच्छी है, भैया लड़की यूं इंप्रेस हो जाएगी आपसे यूं मिनटों में। और इस तरीके से आप किसी भी लड़की को लाइन मारकर अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो, उसे पटा सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक करिएगा भाई मेरे। अगर आपको इससे जुड़ी हुई सवाल के ऊपर और भी कोई वीडियो बनवाना है या फिर कोई भी बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हो फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिखोगा, सिंपली आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हो भाई मेरे। और अगर वीडियो अगर अंत में अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक करिएगा, अपनी तरफ से चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करिएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा गोल 230,000 का है। तो अगर भाई सच्चे दिल से प्यार किया हो तो जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो भाई शेयर करो ना यार, आप जब भी शेयर करते हो तो हमें बहुत खुशी मिलती है। अन्य प्रकार सहायता के लिए इंस्टाग्राम है ना मेरे भाई, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर